Hello children, in this video we will do nested loops. A loop may contain another loop in its body. This form of a loop is called nested loop. जब एक लूप के अंदर एक लूप की बॉडी के अंदर हम दूसरे लूप को इंसर्ट करते हैं, दूसरे लूप का यूज करते हैं, देन दिस फॉर्म ऑफ लूप इज कॉल्ड एज नेस्टेड लूप, राइट? जब एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप यूज कर रहे हो तो उस लूप को आप क्या बोलोगे? नेस्टेड लूप, राइट? वंस द कंडीशन ऑफ आउटर लूप इज ट्रू, द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इनर लूप. The inner loop executes completely for each value of outer loop. जैसे ही बाहर वाले लूप की कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है, वैसे ही कंट्रोल कहाँ चला जाता है? अंदर वाले लूप के पास. ओके, जैसे ही बाहर वाले लूप की कंडीशन ट्रू होगी, कंट्रोल चला जाएगा अंदर वाले लूप के पास, इनर लूप के पास. ओके, एंड इनर लूप फिर क्या करता है? द इनर लूप एग्जीक्यूट्स कंप्लीटली. ओके, इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट करता है, राइट? इनर लूप पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करता है फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप. ओके, इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ आउटर लूप. जैसे पहले फर्स्ट, जैसे वी नो दैट व्हेन वी यूज द फोर लूप, जब हम फोर लूप का यूज करते हैं तो क्या होता है उसमें? वन बाय वन सिक्वेंस का या रेंज के थ्रू क्या होता है? कंट्रोल वेरिएबल वैल्यू कंटेन करता है. ओके, तो ईच वैल्यू के लिए क्या होगा? इनर लूप क्या करेगा? कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, कंप्लीटली रन करेगा. अभी हम इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं, राइट? नाउ यहाँ पे हमने आउटर लूप लिया है फोर आई इन रेंज 1 5. ओके, दिस इज आर आउटर फोर लूप. ये हमारा क्या है? आउटर फोर लूप है. उसके अंदर हमने कंट्रोल वेरिएबल लिया है आई. ओके, और आई दिया है रेंज 1 2, रेंज 1 एंड 5. ओके, सो इट विल स्टार्ट विथ 1 एंड एंड एट 4. आपको पता है रेंज जब हम यूज करते हैं तो एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1. एंडिंग वैल्यू हमेशा -1 होती है. तो ये कौन कौन सी वैल्यू एक्सेस करेगा? ये करेगा 1 2 3, राइट? 3, 1 2 3, ओके, एंड 4. ओके, बिकॉज 5 -1 इज 4. ओके, नाउ फर्स्ट आई ने क्या एक्सेस किया, क्या असाइन किया? 1. आउटर फोर लूप में कंट्रोल वेरिएबल ने सबसे पहले किसको असाइन किया? 1 को असाइन किया, राइट? 1 को असाइन किया, देन इट विल गो डाउन. ओके, ये अब नीचे जाएगा अपनी बॉडी के अंदर. बॉडी के अंदर हमने दूसरा फोर लूप लिया है, फाइन. एंड इसमें क्या है? कंट्रोल वेरिएबल इज जे. ओके, फॉर जे इन द रेंज 1 एंड 5. अब यहाँ पे क्या है? जी वेरिएबल, जी कंट्रोल वेरिएबल कंटेन करेगा, असाइन करेगा वैल्यूज 1 2 4, बिकॉज 5 -1 इज 4. ओके, 1 2 4. ओके, सो यू कैन सी दिस. नाउ फर्स्ट जी क्या असाइन करेगा? जी असाइन करेगा 1. अब यहाँ पे आप आउटपुट की हेल्प से समझो, हमने यहाँ पे क्या किया? जे ने क्या असाइन किया? 1. ओके, ओके, असाइन करने के बाद क्या होगा? इसकी बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी. और इनर लूप की बॉडी में हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है वैल्यू ऑफ आई. ओके, वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाए, एंड वैल्यू ऑफ जे, जे की वैल्यू प्रिंट हो जाए. ओके, राइट? तो आप यहाँ पे देखो, इसके आउटपुट में वैल्यू ऑफ आई हमारी क्या है? 1 है. ओके, एंड वैल्यू ऑफ जे क्या है? 1, राइट? एंड देन अगेन यहाँ पे 1 असाइन हो गया. अब अगेन क्या होगा? कंट्रोल कहाँ चला जाएगा? इनर फोर लूप के पास, फाइन. अब जे क्या असाइन करेगा? 2 असाइन करेगा. ओके, 2 असाइन करेगा, फिर से लूप बॉडी एग्जीक्यूट होगी. लूप बॉडी एग्जीक्यूट में फिर से आई एंड जे की वैल्यू प्रिंट होगी. तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आई क्या है? 1 ही है. ओके, और जे की वैल्यू हमने, अब क्या हुआ? सेकेंड आइट्रेशन हुआ है इनर लूप का. ओके, सेकेंड आइट्रेशन में जे की वैल्यू क्या होगी? 2, फाइन. ओके, आफ्टर दिस अगेन कंट्रोल विल गो टू द फोर लूप, इनर फोर लूप, फाइन. अब जे क्या असाइन करेगा? 3, राइट? वैल्यू 3.
ओके एंड वैल्यू 3 असाइन करेगा, फिर इसकी बॉडी इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ये स्टेटमेंट है कि वैल्यू ऑफ आई इज 1 एंड वैल्यू ऑफ जे इज 3, फाइन ओके। देन अगेन कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फोर लूप के पास चला जाएगा, इनर फोर लूप के पास चला जाएगा। अब जे क्या कंटेन करेगा, क्या असाइन करेगा, 4, वैल्यू 4 ओके। इसकी लूप बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, फिर से हमारे पास स्टेटमेंट आ गई वैल्यू ऑफ आई इज 1 एंड वैल्यू ऑफ जे इज 4, फाइन। नाउ द इनर लूप इज कंप्लीट, ओके इट इज कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड। जे इनर जो आपका लूप था वो पूरा कंप्लीट एग्जीक्यूट कर चुका है, फाइन। अब क्या होगा, जब कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर फोर लूप के पास चला जाएगा। और आउटर फोर लूप में क्या होगा, अब आई क्या असाइन करेगा, 2 असाइन करेगा, फाइन। आई ने पहले क्या असाइन किया था, 1 असाइन किया था, अब आई क्या करेगा, 2 असाइन करेगा। एंड 2 असाइन करने के बाद क्या होगा, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फाइन। और बॉडी में हमने क्या किया हुआ किया है, अनदर फोर लूप दिया हुआ है, फाइन। हमने बॉडी में दूसरा फोर लूप दिया है, नेस्टेड फोर लूप। तो यहाँ पे अब फिर से क्या होगा, फिर से ये पूरा इनर फोर लूप एग्जीक्यूट करेगा, फाइन। अब यहाँ पे जे वैल्यूज कंटेन करेगा 1, 2, 4 अगेन, फाइन। तो अब सबसे पहले जे ने क्या कंटेन किया, 1 कंटेन किया या 1 असाइन किया, ओके 1 असाइन किया। तो फिर अब इसकी इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी, और इनर लूप की बॉडी में हमने क्या किया है, वैल्यू ऑफ आई एंड वैल्यू ऑफ जे। तो आप देखो अब वैल्यू ऑफ आई क्या प्रिंट हो रही है, 2, और वैल्यू ऑफ जे क्या प्रिंट हुई, 1, फाइन। वैल्यू ऑफ जे आपकी क्या प्रिंट हुई, 1, ओके। देन कंट्रोल कहाँ जाएगा, इनर फोर लूप के अंदर ही जाएगा। अब जे असाइन करेगा 2, ओके एंड देन इसकी इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो अगेन आपका क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ आई इज 2 एंड वैल्यू ऑफ जे इज 2, फाइन। देन कंट्रोल विल गो टू द इनर लूप, ओके। अब जे आपका क्या साइन करेगा, 3 असाइन करेगा, फाइन। इनर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अगेन आपका क्या प्रिंट होगा, वैल्यू ऑफ आई इज 2 एंड वैल्यू ऑफ जे इज 3, ओके। एंड देन अगेन आपका क्या होगा, कंट्रोल इनर लूप में जाएगा और जे क्या असाइन करेगा, 4, ओके। एंड देन यहाँ पे प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ आई इज 2 एंड वैल्यू ऑफ जे इज 4, फाइन। नाउ द इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली। अब इनर लूप कम्प्लीट हो चुका है, 1, 2, 4 वैल्यूज असाइन कर चुका है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ द आउटर लूप इनर लूप इज एग्जीक्यूटेड कम्प्लीटली। जब आउटर लूप की वैल्यू 1 थी, राइट, ओके। जब आउटर लूप के कंट्रोल वेरिएबल ने 1 को असाइन किया, तब इनर लूप का जे वेरिएबल जो इनर लूप था उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हुआ, ओके। यहाँ पे देखो आउटर लूप में आई वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू 1 है और जे 1, 2, 3, 4 कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ। देन आपकी आउटर लूप की वैल्यू 2 हुई, देन अगेन आपका इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ, 1, 2, 3, 4, फाइन। अब क्या होगा, जब ये इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया, आउटर लूप पे जाएगा और अब आई आपका क्या असाइन करेगा, 3, ओके वैल्यू 3। जब वैल्यू 3 असाइन करेगा, अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, इनर लूप के अंदर जाएगा, और इनर लूप अब फिर से क्या करेगा, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा फ्रॉम 1 to 4, फाइन। तो आप यहाँ पे देखो आउटपुट में जब आई की वैल्यू 3 है तो जे क्या कर रहा है, जे फर्स्ट 1 असाइन करेगा, देन 2 असाइन करेगा, देन 3 असाइन करेगा, देन 4 असाइन करेगा, एंड इन दिस वे इट विल एग्जीक्यूट कम्प्लीटली, फाइन, ओके। एंड देन कंट्रोल विल गो टू द आउटर फोर लूप, और अब आई क्या असाइन करेगा, 4 को असाइन करेगा, ठीक है, 4 वैल्यू 4 को। अब वैल्यू 4 को असाइन करेगा, अगेन कंट्रोल कहाँ जाएगा, आपका इनर लूप के अंदर, और यहाँ पे इनर लूप में क्या होगा, जे फिर से 4 इनर फोर लूप फिर से क्या होगा, कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा। जे विल कंटेन 1 देन 2 देन 3 देन 4, ओके एंड ओके। आफ्टर दिस अगेन द कंट्रोल विल गो टू द आउटर लूप। अब आउटर लूप के पास जब कंट्रोल जाएगा तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे आउटर लूप क्या कर चुका है, सारी वैल्यूज को असाइन कर चुका है फ्रॉम 1 to 4, ओके। सो द प्रोग्राम विल स्टॉप रनिंग नाउ, ओके, क्योंकि यहाँ पे
इनर लूप कंप्लीटली आउटर लूप क्या है कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर चुका है. फाइन. सो दिस इज हाउ द नेस्टेड लूप वर्क्स. कैसे नेस्टेड लूप वर्क करता है. फाइन. नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद मोर एग्जांपल्स. अब यहाँ पे हमने नेस्टेड फोर लूप लिया है. फाइन. फोर आई इन द रेंज 1 to 5. अगेन 1 to 5 लिया है हमने आउटर फोर लूप. ओके कहाँ से चलेगा 1 से लेकर 4 तक चलेगा बिकॉज आपको पता है रेंज फंक्शन में एंडिंग वैल्यू इज ऑलवेज -1. सो 5 - 1 = 4. ओके एंड देन जे में हमने क्या लिया है 1. इट विल स्टार्ट विद 1 एंड स्टॉप एट i+1. ओके एंड देन प्रिंट जे. इसको प्रिंट कराया है. प्रिंट जे को प्रिंट कराया है. ओके सो फर्स्ट आई विल असाइन 1. सबसे पहले आई के अंदर क्या आएगा 1 आएगा. जब 1 आएगा तो ये क्या होगा कंट्रोल अंदर जाएगा इनसाइड लूप. ओके इनसाइड लूप अब एग्जीक्यूट करेगा. अब यहाँ पे जे की जे कहाँ से चलेगा 1 से लेकर i+1. आई प्लस वन क्या है अभी आई के अंदर क्या है 1 प्लस 1 हो गया 2 एंड 2 - 1 = 1. ओके तो यहाँ पे अभी सिंपली इसके पास एक ही वैल्यू आएगी 1. ओके जे के अंदर क्या आएगा 1. Why? It will start with 1 और end at i+1 और i+1 क्या हो जाएगा 1 + 1 = 2. ओके यहाँ पे एंडिंग वैल्यू हमारी 2 है और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1. ओके सो इट विल स्टार्ट एट 1 एंड इट विल स्टॉप एट 1. ओके अब 1 पे स्टॉप करेगा तो ये क्या होगा इसमें ये अंदर जाएगा. अंदर जाएगा तो हमने क्या किया है जे की वैल्यू प्रिंट करा दी है और हमने एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट क्या दिया है स्पेस. फाइन. एंडिंग ऑफ द स्टेटमेंट क्या दिया है स्पेस एंड देन आफ्टर दिस वी हैव गिवन द कमांड. इसके बाद हमने क्या कमांड दिया है प्रिंट. ओके और जब आप सिंपल प्रिंट फंक्शन देते हो विदाउट एनी स्टेटमेंट तो उसका क्या वर्क होता है इट विल टेक द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन. वो कंट्रोल को कहाँ ले जाता है इंटरप्रेटर को कहाँ ले जाता है नेक्स्ट लाइन पर ले जाता है और इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है. तो अभी यहाँ पे जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 1. आप आउटपुट में देखोगे जे की वैल्यू प्रिंट हुई 1 और आपका कंट्रोल चला गया नेक्स्ट लाइन में. ओके अब इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुआ. आपका कंट्रोल कहाँ चला गया आउटर फोर लूप के पास. ओके अब आउटर फोर लूप में आई की वैल्यू क्या होगी 2. फाइन 2. जब आई की वैल्यू 2 होगी कंट्रोल कहाँ जाएगा अंदर जाएगा. ओके इनर फोर लूप के पास जाएगा. अब जे में क्या कंटेन करेगा जे में क्या है 1 से स्टार्ट करेगा और स्टॉप कहाँ करेगा i+1 पे करेगा. तो आई की वैल्यू 2 है प्लस 1 टोटल हो गया 3. ओके 2 + 1 = 3 एंड अब हमें क्या करना है एंडिंग वैल्यू से -1 करना है 3 - 1 = 2. ओके 3 - 1 = 2. तो अब ये इसका जो लूप वेरिएबल है वो कौन सी वैल्यूज कंटेन करेगा 1 और 2. ठीक है लूप वेरिएबल कंटेन करेगा 1 और 2. ओके अब नाउ प्रिंट जे. प्रिंट जे पहले जे क्या प्रिंट करेगा 1. ओके प्रिंट करेगा 1. उसके बाद आपने सेपरेटर क्या दिया हुआ है मतलब एंड ऑफ द स्टेटमेंट क्या दिया है स्पेस. ओके अभी यहाँ पे क्या है जे आपका फोर लूप इनर फोर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि अभी उसने सिर्फ 1 को असाइन किया है राइट और 1 को प्रिंट किया है. अगेन कंट्रोल चला जाएगा इनर फोर लूप के पास और जे अब क्या असाइन करेगा 2 असाइन करेगा. ओके एंड देन इट विल गो डाउन. अब फिर से क्या होगा प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और इस बार जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी 2. फाइन जे की वैल्यू प्रिंट होगी. अब यहाँ पे जे की 2 वैल्यू प्रिंट हुई. फर्स्ट आइटरेशन में प्रिंट हुआ 1 और सेकंड आइटरेशन में क्या प्रिंट हुआ 2. फाइन इनर लूप आपका इनर फोर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया. अब आपका क्या होगा कंट्रोल बाहर जाएगा. बाहर जाएगा तो यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन दिया हुआ है राइट और इस प्रिंट फंक्शन का क्या मतलब होता है नाउ गो टू द नेक्स्ट लाइन. ओके यहाँ पे ये सेकंड हमारा एग्जीक्यूशन हो चुका है. अब कंट्रोल कहाँ चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा. फाइन एंड देन इट विल गो टू द फोर लूप आउटर फोर लूप. अब आई क्या असाइन करेगा 3 असाइन करेगा. फाइन आउटर फोर लूप का कंट्रोल वेरिएबल अब 3 असाइन करेगा. फिर से कंट्रोल अंदर जाएगा. ठीक है
और इनर फॉर लूप के पास जाएगा। अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर आई प्लस 1, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, 3 प्लस 1 दैट इज 4, ठीक है, एंडिंग वैल्यू क्या है 4, एंड 4 माइनस 1 इज 3। ओके, तो अब जे कहाँ से कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक, 1 2 3 बिकॉज 4 माइनस 1 इज 3। ओके, अब फर्स्ट आइट्रेशन, नाउ फर्स्ट आइट्रेशन में क्या करेगा, लूप इन जे वेरिएबल, जे कंट्रोल वेरिएबल 1 को असाइन करेगा, ओके, एंड देन 1 को प्रिंट करेगा, फाइन, देन अगेन द कंट्रोल विल गो अप, देन यहाँ पे 2 को असाइन करेगा और 2 को प्रिंट करेगा, ओके, एंड 2 को प्रिंट करने के बाद हमने क्या दिया हुआ है, स्पेस, ओके, पहले 1 को प्रिंट किया, फिर 2 को प्रिंट किया, ओके, एंड देन इट विल प्रिंट 3, और जब 3 को प्रिंट कर लेगा उसके बाद क्या होगा, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया इनर फॉर लूप। अब आपका स्टेटमेंट कहाँ, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, आउटर स्टेटमेंट के पास, और आउटर स्टेटमेंट में क्या दिया है हमने, प्रिंट फंक्शन दिया है जिसका क्या यूज है, टू गो टू द नेक्स्ट लाइन, ओके, तो कंट्रोल विल गो टू द नेक्स्ट लाइन हियर, फाइन, नाउ इट विल गो टू द आउटर लूप। आउटर लूप में क्या है, अब आई वेरिएबल क्या कंटेन करेगा, 4, फाइन, 4 असाइन करेगा, 4 असाइन किया तो अब क्या है, कंट्रोल इनर लूप के पास जाएगा, इनर लूप के पास जाने के बाद अगेन ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, फाइन, अब जे कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेकर आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ओके, एंड 5 माइनस 1 इज 4, तो ये कहाँ से चलेगा, 1 2 3 एंड 4, ओके, अब देखो फर्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा, जे की वैल्यू प्रिंट होगी 1, ओके, देन स्पेस, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में क्या दिया है, एंड में क्या दिया है, स्पेस दिया है, देन सेकंड आइट्रेशन में आपका प्रिंट होगा 2, ओके, देन 3, देन 4, जब 4 वैल्यू तक प्रिंट हो जाएगा, फाइन, 4 तक आपका प्रिंट हो गया, तो क्या हुआ, आपका इनर लूप अब क्या हुआ, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है, राइट, अगेन कंट्रोल विल गो डाउन, गो टू द नेक्स्ट लाइन, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन। अब अगेन यहाँ पे आउटर फोर लूप चेक होगा, जब आउटर फोर लूप चेक होगा तो क्या है, आउटर फोर लूप भी कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, क्योंकि इसने 1 से लेकर 4 तक वैल्यूज असाइन कर चुकी है, ओके, सो क्या होगा, अब ये कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, एंड देन इट विल टर्मिनेट, अब ये टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा, फाइन, सो दिस इज योर नेस्टेड फोर लूप, एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड फोर लूप। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं नेस्टेड व्हाइल लूप का, ओके, नेस्टेड व्हाइल लूप में हमने क्या लिया, पहले कंट्रोल वेरिएबल लिया और उसको हमने असाइन की वैल्यू 2, ओके, ये क्या है, आउटर लूप का कंट्रोल वेरिएबल है, ओके, एंड देन हमने यहाँ पे क्या किया, व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं और कंडीशन दी है आई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जब तक कि आई की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है तब तक, ओके, अभी आई की वैल्यू क्या है 2 है, दैट इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन 2 है, ये अंदर जाएगा, अंदर जाएगा, अंदर हमने दूसरा व्हाइल लूप लिया है, दैट इज इनर व्हाइल लूप, यहाँ पे इनर व्हाइल लूप का कंट्रोल वेरिएबल है जे, जिसको हमने वैल्यू दी है 2, फाइन, इनर व्हाइल लूप में, और इसमें भी हमने क्या कंडीशन लगाई है, जे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर जे की वैल्यू 0 से बड़ी है या 0 के इक्वल है तो क्या हो, ये लूप एग्जीक्यूट कर जाए। अब यहाँ पे जे की वैल्यू 2 है, कंडीशन 2 है, ये इसकी लूप बॉडी में जाएगा, फाइन, इसके लूप बॉडी में जाएगा। अब लूप बॉडी में हमने क्या प्रिंट कराया है, 2 को प्रिंट कराया है, और क्या दिया है, स्टेटमेंट को एंड करने के लिए क्या दिया है, स्पेस, फाइन, ओके, तो अब आउटर लूप की वैल्यू क्या थी, 2, ओके, अब इनर लूप क्या है, कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा जब तक कि वो फिनिश ना हो जाए। तो हमने फर्स्ट जो एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे जे की वैल्यू 2 थी, ठीक है, जे की वैल्यू 2 थी, तो फर्स्ट एग्जीक्यूशन हमारा हुआ 2, प्रिंट क्या हो गया 2, ओके, ये हमारा फर्स्ट 2 प्रिंट हो गया, फाइन। अब हम नीचे गए, नीचे हमने क्या किया, लूप वेरिएबल को क्या किया है, अपडेट किया है, मतलब यहाँ पे हमने अपडेशन में क्या दिया है, डिक्रीमेंट जे माइनस 1, तो 2 माइनस 1 अब हमारी क्या होगी, जे की वैल्यू 1 हो गई, ओके,
ऊपर जाएगा इनर लूप के अंदर, अगेन ये ऊपर जाएगा और कंडीशन चेक करेगा, वन इज ग्रेटर देन जीरो, यस कंडीशन इज ट्रू, अगेन ये नीचे जाएगा, फाइन नीचे जाएगा तो क्या करेगा, फिर से टू को प्रिंट करा देगा, राइट एंड देन स्पेस, तो आपका सेकेंड टू यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके देन इट विल गो डाउन, j माइनस वन, j इज इक्वल टू j माइनस वन, तो वन माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल टू, वन माइनस वन इज इक्वल टू सॉरी जीरो, ओके अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी j की वैल्यू, फाइन अब ये फिर से क्या होगा, कंट्रोल ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या कंडीशन है, j शुड बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, ठीक है या तो जैसे जीरो से बड़ा हो या जीरो के इक्वल हो, तो अभी क्या है जे की वैल्यू जीरो है विच इज इक्वल टू जीरो, ठीक है जो जीरो के इक्वल है, अगेन कंडीशन इज ट्रू क्योंकि जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो फिर वो कंट्रोल डाउन जाएगा, डाउन जाएगा तो फिर से प्रिंट होगा टू, तो अब यहाँ पे हमारा तीसरी बार थर्ड टाइम टू प्रिंट हो गया, ओके एंड देन अगेन इट विल गो डाउन, और अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो माइनस वन क्या हो गया, माइनस वन, ओके एंड माइनस वन इज स्मॉलर देन जीरो, ओके और माइनस वन क्या होता है, जीरो से स्मॉल होता है, तो यहाँ पे अब कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, फॉल्स हो गई, ओके इनर लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो चुका है, अब आपका कंट्रोल कहाँ जाएगा, आउटर स्टेटमेंट के पास जाएगा, आउटर स्टेटमेंट में हमने प्रिंट फंक्शन दिया है, प्रिंट फंक्शन का क्या यूज होता है, जब हम उसको एम्प्टी यूज करते हैं इट टेक्स द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन, तो आपका कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, फाइन अब यहाँ पे हमने आउटर जो लूप था उसके वेरिएबल को क्या किया है, अपडेट किया है, यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई माइनस वन, पहले आई की वैल्यू क्या थी टू, अब आई की वैल्यू क्या होगी, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, ओके नाउ इट विल गो अप, ऊपर जाएगा और फिर से कंडीशन चेक करेगा, यस वन इज ग्रेटर देन जीरो, कंडीशन ट्रू है, फाइन कंडीशन आपकी ट्रू है, अगेन ये क्या करेगा, अब इनर लूप पे जाएगा और इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, पहले जे जे में वैल्यू है टू तो टू प्रिंट होगा, फिर जे क्या करेगा अपडेट करेगा, माइनस वन हो जाएगा, ठीक है जे की वैल्यू वन हो जाएगी, फिर से कम्प्लीटली टू यहाँ पे टू एग्जीक्यूट करेगा, फिर जे की वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर से टू एग्जीक्यूट करेगा, तो हमारे पास उसी कॉन्सेप्ट से फिर से टू 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 आ गया है, फाइन ओके एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस कम्प्लीट इनर लूप इट विल गो डाउन, यहाँ पे वो क्या होगा फिर से नीचे जाएगा, ठीक है कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने के बाद और प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, तो कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा, अब हमने फिर से आई की वैल्यू को कर दिया है माइनस वन, तो आई की वैल्यू अभी क्या है वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ओके फिर से ये आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, यस इट इज ट्रू बिकॉज जीरो इज इक्वल टू जीरो, फाइन क्योंकि कंडीशन हमने क्या दी है आई शुड बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, तो अभी यहाँ पे आई इक्वल टू जीरो है, ओके तो इनर आउटर लूप की कंडीशन फिर से ट्रू है, तो फिर वो फिर अंदर जाएगा, फिर से इनर लूप आपका कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, पहले जे टू कंटेन करेगा तो ओके जे की वैल्यू टू है तो आपकी प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और टू प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू क्या हो जाएगी टू माइनस वन दैट इज वन, फाइन फिर से आपकी कंडीशन चेक होगी दैट इज टू, फिर से आपका टू प्रिंट होगा, ओके देन इट विल गो डाउन वन माइनस वन दैट इज जीरो, ओके कंडीशन इज टू एंड टू विल बी प्रिंटेड, तो यहाँ पे आपका थ्री टाइम्स टू प्रिंट हो जाएगा, फाइन सो इन दिस वे आप क्या कर सकते हो, सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द नेस्टेड लूप, फाइन ओके सो लेट अस डू इट प्रैक्टिकली, हम इसको एक बार प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं, वन बाय वन जितने भी हमने प्रोग्राम किए हैं नेस्टेड लूप के, for i in range one and five, okay, for j in range one and five, find print
value of I is equal to I, okay, and J S J. नेस्टेड लूप हम एनएल कर दिया, इसका नेम नेस्टेड लूप, फाइन एफ फाइव. अब आप यहाँ पे देख सकते हो फॉर आई इज इक्वल टू वन जे इज वन, फॉर आई इज इक्वल टू वन जे इज टू. जब आई की आउटर लूप वेरिएबल की वैल्यू वन है तो इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट किया हुआ है वन टू थ्री फोर, देन आउटर लूप की वैल्यू टू हुई तो इनर लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हुआ वन टू थ्री फोर. Okay, in this way, outer loop is 3, then inner loop 1, 2, 3, 4. Outer loop is 4 and inner loop is 1, 2, 3, 4, right? This is the concept. For each value of the outer loop, inner loop will execute completely, fine? Okay, now we will do the next example. इसी में कर लेते हैं, nested for loop का. Print J and हमने क्या किया स्टेटमेंट का स्पेस देके एंड किया. Okay, and then print F5. Now you can see ये हमारा पैटर्न आ गया वन देन वन टू देन वन टू थ्री एंड देन वन टू थ्री फोर. दिस इज द पैटर्न, फाइन. ओके, नाउ वी विल डू द नेस्टेड व्हाइल लूप. हियर आई इज इक्वल टू टू आउटर लूप एंड व्हाइल I is greater than equal to zero. Fine. Then inner loop variable two. Okay. While J is greater than equal to zero. Print two. And space J is equal to J minus one. Okay, and then space and I is equal to I minus one. Okay, इसका कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है क्या है. राइट, यहाँ पे हम कॉलन लगाना भूल गए तो तभी ये ले नहीं रहा है. ओके, अब यहाँ पे क्या है, हमने एक मिस्टेक की है, दैट्स व्हाई अभी इंडेंट प्रॉब्लम आ गई है. ओके, सो यहाँ पे हमने F5 प्रेस किया, सो यू कैन सी द पैटर्न 222 एंड देन 222 एंड दिस इज द पैटर्न. ये आपने अभी प्रोग्राम किया, फाइन. टू Here, I have told you how you can create the nested loop. Okay, we have done nested for loop and nested while loop. Okay, thank you. Then we will meet in our next video with another topic.